सूर्य नाश एक ऐसी दुआ है जिसको पढ़ने से आपकी सारी परेशानियां तमाम मुश्किलात दूर हो जाती है। क्या सूर्य नाश से दुकान मकान की हिफाजत की जाती है? बस एक फ्रेम करके लगाना है और आपके घर की सारी बला घर से बाहर। आइए जानते हैं इसका राज। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे सूर्य नाश के बारे में कि सूर्य नाश की दुआ जो आपने पढ़ी होगी, कुल औज बिरब्बिल नास, मलिकिन नास, इलाही नास, मिन शरिल वसवासिल खन्नास, अल्लाह जी युवस वी सो फी सुदूर नास, मिनल जिन्नत वन्नास। ये एक दुआ पढ़ने में और लिखने में एक पूरे अल्फाजों को बताती है, लेकिन अगर इसका नक्श बनाया जाए ना, या इसका यंत्र बनाया जाए, तो यंत्र बहुत अजीब तरीके से बनेगा। उसकी कुछ लाइनें इधर से उधर जाती है। इसको लिखने के लिए आपको एक ऐसे कलम की जरूरत पड़ेगी जो कलम कैलीग्राफी वाला कलम कहा जाता है। आपको दुकान में उसका पेन भी मिल जाएगा, स्केच पेन भी मिल जाएगा, कैलीग्राफी स्केच पेन भी बोलोगे तो आप ब्लैक कलर का आपको स्केच पेन वो दे देंगे। आपको जैसा मैंने मैंने फोटो में बताया है वैसी सेम टू सेम आपको ड्राइंग करनी है और वैसी ही उर्दू को अल्फाजों को वैसा लिखना है। अगर आप लिख सकते हो तो, नहीं लिख सकते तो किसी आमिल से, किसी मौलाना से या किसी उर्दू के जानकार से आप एक सफेद कागज पे काले रंग के स्केच पेन से लिखवा लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको लगानी है घर में 5 अगरबत्तियां। उसके बाद आपको इसको फ्रेम करके आपको अपने घर के मेन दरवाजे के ऊपर, यानी दरवाजा जो होता है ना जिसमें हम घुसते घुसते और जैसे हम निकलते, जब निकलते ना तो हम घर से निकलने से पहले हमारे ऊपर जो फ्रेम होता है ना दीवार का, उसको अंदर साइड से लगानी है। मतलब हम अंदर घुस रहे हैं तो हमको फ्रेम नहीं दिखेगा, लेकिन हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो हमको फ्रेम दिखेगा। समझ गए मेरी बात को? फ्रेम करके नक्श, अगर आप फ्रेम नहीं कर सकते हैं तो लेमिनेशन करके ही उसको लगा दीजिए, बहुत अच्छा होगा। और दुकान में भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये नक्श दिखाई देना चाहिए। घर के अंदर दिखेगा तो घर के सारे आसपास बुरी बला, जादू, टोना, किया कराया सब निकल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में आपको इस दुआ को भी याद करना बहुत जरूरी है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कुरान करीम की दुआओं में है। अगर आप इसकी कुछ दुआएं मुंह जबानी भी याद कर लेंगे तो आपको जिंदगी में कभी किसी के पास जाकर अपना काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली दुआ आप सूरह फातिहा उसको याद कर लीजिए, उसके बाद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम याद करिए, सूरह फातिहा याद करिए और चारों कुल, कुल औज बिरब्बिल नास जो एक चार लाइन की दुआ है, कुल औज बिरब्बिल फलक जो एक चार लाइन की दुआ, कुल कुल अल्लाह अहद चार लाइन की दुआ है, कुल या अय्युहल काफिरून, तो ये चारों जो दुआ इसको चार कुल बोलते हैं। बड़ी आसानी से आपको इसका फ्रेम वगैरह भी मिल जाएगा या इसका नक्श भी आपको मिल जाएगा। चारों नक्श का भी फ्रेम अगर आपको रेडीमेड भी मिलता है तो आप इसको घर में जरूर लगाएं। इससे आपके घर की सारे जादू टोना, अला बला, आसेब, किया कराया, किसी ने कुछ डाल दिया, कुछ लेकर अगर कोई आ रहा है आपको घर में करने के लिए, राख हो या कोई भी चीज हो, तो वो आपको असर नहीं करेगी, वो घर से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद आते हैं आप यासीन शरीफ के ऊपर। यासीन शरीफ भी याद कर लीजिए और ऐतल कुर्सी कुरान का दिल है, इन सब चीजों को आप याद कर लीजिए, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की दुआ है। तो ये सब चीजें आप याद कर लीजिए, इसको रूहानी और नूरानी अमल भी कहा जाता है। इसको बैठे बैठे आपको जब भी पढ़ना है, जब नहा धोकर निकलते हैं ना तभी इसको पढ़ना, पेशाब कर लेने के बाद आप इसको नहीं पढ़ सकते या बाथरूम जाने के बाद नहीं पढ़ सकते। अगर आप जाते हैं तो निकल के वजू वगैरह करना सीख जाए, बहुत बेहतर होगा। इन सब दुआओं के अंदर बहुत ताकत है, इसके आयतों में, इसके मुवक्किलों में, जिन्नातों में, फरिश्तों में बहुत ताकत रखते हैं। तो इन सबको याद कर लीजिए अच्छी तरह से, बहुत बेहतर होगा, बहुत जबरदस्त चमत्कारी काम करता है। ये दुआएं बहुत अजीब है और कुछ नक्श ऐसे हैं प्राचीन हैं जिसको मैंने बनाया है, और आप इस नक्श को आप देख सकते हैं। मेरे उस्ताद ने मुझे इस नक्श को दिया था, मैंने आपको नक्श देने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद आप इस नक्शों का इस्तेमाल करिए, लोगों को भी आप इस नक्श को दे सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नक्श वाकई में बहुत असरदार चमत्कारी काम करता है। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि सूर्य नाश को जो समझ लिया, समझो वो सारी कुरान को समझ लिया, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत अच्छी चीज़ है। आयतुल कुर्सी हमेशा पढ़ा करिए, सूर्य नाश हमेशा पढ़ा करिए, बहुत फायदे की चीज़ है और इससे बहुत सारी बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां, भूत प्रेत, जादू टोना, आशरात, किया कराया, बला जो आपके दुकान मकान में कोई लगा दे, कर दे, किया कराया, ये सब नाश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है। बहुत बड़ी ताकत रखती है। अगर आप सच्चे दिल से इसका इस्तेमाल करेंगे तभी आपको इसका असर समझ में आएगा, वरना आपको इसका असर समझ में नहीं आएगा। रूहानी चीज़ जब भी करें, पाक साफ होकर करें, वजू करके करें, नहा धो के करें, जैसा आपको ठीक लगेगा। किसी भी धर्म का व्यक्ति इसको कर सकता है, बहुत फायदे की चीज़ है, ताकत की चीज़ है।
इस्तेमाल करोगे तो ही इसका रिजल्ट आपको पता चलेगा, वरना आपको इसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं पता चलेगा। और ऐसे बहुत सारे अमलियात हैं कुरान के, जिसको मैं धीरे धीरे आप लोग के सामने बताते रहूँगा, लाते रहूँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोग भी इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाए और इसका आपको रिजल्ट दिखने को मिले। तो कुछ ऐसे अमलियात हैं शिफली के, वो भी बताऊँगा कि उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिलहाल तो अभी मैंने एक रूहानी अमलियात सूर्यनाश के बारे में, किसी ने जिक्र किया था कि बाबा सूर्यनाश का एक वीडियो बनाओ, तो मैंने सूर्यनाश का एक वीडियो बनाकर आप लोग के सामने में छोटा सा लेके आया हूँ कि दुकान मकान की इससे हिफाजत करते, फ्रेम करके लगाना है और आपको इसका चमत्कार देखना है। और वाकई में इसका चमत्कार आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो आप इसका इस्तेमाल करें, लगाएं फ्रेम, उसके बाद मुझे बताएं कि आपको इसका कितना बेनिफिट हुआ। कोई वीडियो को मैं कोई चीज़ को घुमा फिरा के नहीं बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ ताकि आप लोग की समझ में आ जाए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे रहस्यमय अमलियात टोने टोट के साधनाएं वजीफे विधि विधान चमत्कारी प्रयोग में आप लोग के सामने आता रहूंगा। मेरी किताब चमकदारी चोर विद्या, इसको खरीदना ना भूले। जब तक के लिए नमस्कार।